अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए गार्लिक पाव की रेसिपी लेकर आए हैं जो काफी आपको यमी और टेस्टी लगने वाला है। खासकर बच्चों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। ये बहुत ही आसानी से कम टाइम पे बन भी जाती है। तो चलिए आज हम आपको बनाना बताते हैं, इसे कैसे बनाना है। और यहाँ पर हमने गार्लिक लिया है जिसे हमने फाइन चॉप किया है और आपको दिख रहा होगा, और आप भी फाइन चॉप कीजिएगा। और इसमें हम 2 टेबल स्पून हमने सॉफ्ट बटर लिया है, हम इसे भी ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून पार्सली। और अगर आपके पास पार्सली नहीं है तो आप फाइन करके हरी धनिया को भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और इधर हमने पाव लिया है और इसे हम बीच से कट करेंगे। और हमने इसे बीच से कट कर लिया है, और इसमें हम स्प्रेड करेंगे जो हमने अभी मिक्सचर बनाया है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और मोज़रेला हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप बिना मोज़रेला के भी बना सकते हैं। मेरे पास था तो हमने चीज़ का यूज़ किया है, और इसीलिए हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं, बिना चीज़ के भी और चीज़ वाला भी। और दूसरी साइड हमने तवा भी रख दिया है जो अच्छे से हीट हो रहा है, और इसे हम तवे पे सेकेंगे। अच्छे से हम ऊपर से भी बटर को स्प्रेड करेंगे, एकदम स्लो फ्लेम पे आप सेकिएगा ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना लगे। तो देखिए हमने टर्न कर लिया है, और हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा, और ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं गार्लिक पाव। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी और वीडियो जरूर पसंद आएगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और आप इसे बच्चों को लंच टाइम या लंच बॉक्स में, या आपका जब भी मन करे तब आप इसे बनाकर सर्व करके खा सकती हैं। छोटी मोटी गैदरिंग या फिर किटी पार्टी या बच्चों की पार्टी में भी आप इसे यूज कर सकती हैं। ये बहुत ही जल्दी इजीली बन भी जाता है, और इसे हम एक बार फिर से टर्न करेंगे। और अब हमने दूसरे साइड फिर से टर्न कर लिया है, इसे आप स्लो पे ही बेक करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, तभी ये क्रिस्पी भी बनेगी और थोड़ा अंदर से सॉफ्ट भी रहेगा, खाने में भी बहुत मजा आता है। अब ये अच्छे से बेक हो चुके हैं, और अब हम इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।